वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल फुल ऑफ नॉलेज एंड अपडेट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। फ्रेंड्स, ये मैं बात करने वाला हूँ सब बच्चों की, ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि किन किन सेमेस्टर्स की मास प्रमोशन की गई है। फ्रेंड्स, इसमें जो मास प्रमोशन जो हुई है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के तीनों इवन सेमेस्टर्स की हुई है, सेकेंड, फोर्थ एंड फोर्थ की, मगर सिक्स सेमेस्टर की अभी मास प्रमोशन की बात नहीं की गई है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो CBCS मीन सेमेस्टर सिस्टम और नॉन CBCS जिनका सेमेस्टर सिस्टम नहीं है ईयर वाइज, इनकी जो है 50% वेटेज ऑफ इंटरनल्स ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और 50% वेटेज ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर। जितने प्रीवियस सेमेस्टर में मार्क्स लिए होंगे, जैसे फर्स्ट वाले जो हैं वो फर्स्ट के, और जो थर्ड वाले जो फोर्थ में पास होंगे प्रमोशन, उनके थर्ड वाला देखा जाएगा। जितने इनके मार्क्स उसमें आएंगे उसी के बेसिस पे जो है इनको पास किया जाएगा। वहीं जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या होगा, उनके डायरेक्ट जो है प्रीवियस सेमेस्टर के देखे जाएंगे, उनके इंटरनल असेसमेंट के नहीं देखे जाएंगे। जो फर्स्ट पास है उसका सेकंड, जो थर्ड पास है उसका फोर्थ भी पास है। फ्रेंड्स, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए सिक्स सेमेस्टर की अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, जम्मू यूनिवर्सिटी जो CBCS स्टूडेंट्स हैं, जो सेमेस्टर बेस्ड रेगुलर स्टूडेंट्स, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा, हो सकता है ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मोड में। लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट सिक्स सेमेस्टर प्राइवेट हैं, उनके लिए कोई क्लैरिटी नहीं दी है यूनिवर्सिटी ने अभी तक कि उनके एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होंगे या नहीं। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब।